हेलो ना पब्लिक, सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू चैंपियंस गेमिंग। तो भाई हम वापस आ गए हैं एक और पोकेमोन एश ग्रे के नए और ख़तरनाक वाले एपिसोड के साथ। सो या गाइस, लाइक ऑलवेज हम लोग अभी खेल रहे हैं पोकेमोन एश ग्रे, जो कि बेस्ड है अपने प्यारे एश के सीजन 1 की स्टोरी पे। सो या अभी हम लोग फिफ्थ राउंड में जाने वाले हैं। फोर्थ राउंड हम लोगों ने इजीली क्लियर कर चुके हैं। इंडिगो लीग का फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल और फोर्थ बैटल बहुत ही तगड़ी थी। अगर आप लोगों ने वो वाला एपिसोड नहीं देखे, अभी के अभी जाओ और प्रीवियस एपिसोड जाके देख लो, क्योंकि वो बैटल्स मतलब मच ओपी। ठीक है सर गाइस, हम लोग जाएंगे फिफ्थ बैटल के लिए, देखते हैं किसके साथ होगा। और लास्ट वीडियो में सारा टीम रॉकेट आई थी दूसरों के सारे ट्रेनर्स के पोकेमोन चुराने के लिए, लेकिन रिची नाम का एक बंदा है जिसने टीम रॉकेट को वन साइडेड सिंगल हैंडेडली हरा दिया और जीत गया। और हम लोग जाएंगे अभी वापस से, देखते हैं क्या होगा आगे। वो थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि आई एम थिंकिंग अबाउट टेकिंग चार्लिजार्ड इन द टीम, पता नहीं क्यों। बट देखो, चार्लिजार्ड कैसा भी हो, इवन अभी के लिए अगर वो बात नहीं मानता, लेकिन वो अपना चार्लिजार्ड है। ही हैज़ बीन अवर चार्मेंडर, ही हैज़ बीन अवर चार्मिलियन, ही विल बी अवर चार्लिजार्ड। सो या कल मैंने वो रिची के चार्मेंडर को देखा, तो भाई मेरे को लगा भाई चार्लिजार्ड को लेना मांगता है। सो आज के मैं इसमें सोच रहा हूँ आई एम गोइंग विथ चार्लिजार्ड, पिकाचू एंड स्क्वाटल, क्योंकि तो अपने पास फायर और वाटर हो गए और वी हैव इलेक्ट्रिक। तो अपने पास तीन टाइप्स के तीन डिफरेंट पोकेमोन्स हैं, जो अपने को जो भी नेक्स्ट टीम प्लेयर कोई भी रहेगा उसके खिलाफ अपने को बहुत हेल्प करेंगे। पता नहीं मैच कैसा होगा, लेकिन होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कैसा जाता है मैच। और भाई अगर मैं हारा ना भाई, मेरे को बहुत बुरा लगेगा। मैं चार्लिजार्ड पे विश्वास दिखा रहा हूँ, बट पता नहीं ही विल बी कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। सो या विदाउट वेस्टिंग द टाइम, चलो चालू करते हैं आज का एपिसोड। पांडू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो, प्ले द इंट्रो। ये कौन सा पोकेमोन है? तो या गाइस, लाइक ऑलवेज इंट्रो तो प्ले हो चुका है। और या जिन जिन लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में पोकेक्विज का आंसर बराबर दिया था, उन सभी के नाम आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। सो यार, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बहुत बहुत बढ़िया। और हम लोग जाते हैं अंदर और देखते हैं अपना आज का मैच किसके साथ है। लेट्स सी, योर नेक्स्ट मैच विल बी योर फिफ्थ एंड फाइनल प्रिलिमरी बैटल। ओके, सो इसके बाद अपन सीधा चले जाएंगे इंडिगो लीग के अंदर, यानी कि इंडिगो स्टेडियम में। ओके, सो ये वाला बैटल अपना इंडिगो स्टेडियम में रहेगा अगेंस्ट अ यंग ट्रेनर नेम्ड रिच। शिट गाइस, ओ माय गॉड, अपनी बैटल रिची के साथ है यार। आई बिलीव यू टू मे हैव ऑलरेडी मेट, हिज बैटल स्ट्रैटेजी इज मोस्टली स्टैंडर्ड, बट हिज पोकेमोन ट्रेन टू बैटल फॉर फार बियॉन्ड देयर मीन्स, शोइंग द बॉन्ड ही शेयर्स विद देम। गुड लक इन योर फाइनल प्रिलिमिनरी राउंड। ब्रो रिची के साथ बैटल है यार, गदबद हो गई, गदबद हो गई भाई। बंदा तगड़ा बहुत है, मेरे को अभी डर भी लगने लगा है थोड़ा सा। मैं चार्लिजार्ड को लूँ या ना लूँ सोच रहा हूँ, पर बिकॉज एश ने लिया था, आई एम गोइंग विथ चार्लिजार्ड, आई एम गोइंग विथ स्क्वाटल, आई एम गोइंग विथ पिकाचू, क्योंकि एश ने लिया था। सो या जाएंगे अभी अंदर, होप फॉर द बेस्ट। ये रिची है ना? ओह रिची, डिड यू हियर एश, वी आर गोइंग टू बैटल अगेंस्ट ईच अदर इन द फिफ्थ राउंड। लिसन एश, बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, वी शुड प्रॉमिस ईच अदर टू मेक दिस बैटल द बेस्ट वी हैव एवर हैड। ओके, कोई ना ब्रो, कर लेंगे। आई विल सी यू व्हेन द मैच स्टार्ट्स एट द इंडिगो लीग। अटेंशन प्लीज, एश प्लीज कम टू द वीडियो कॉल टेलीफोन, यू हैव अ कॉल वेटिंग फॉर यू। ओके भाई, किसी का तो कॉल आया अपने लिए। रिची, एश इट्स मी रिची, कैन यू मीट मी डाउन?
by the Pokemon League gate where the entrance to Victory Road is. There's something really important about Pikachu that I need to tell you about. Hurry up, Ash. भाई कमाल है भाई, बंदा अपने को बुला रहा है लेकिन भाई पीछे अपने को बुला रहा है हेल्प के लिए, तो अपने को जाना पड़ेगा क्योंकि उसने अपनी भी हेल्प की थी एक टाइम पे। सो यार देखते हैं, पता नहीं वो पिकाचू के बारे में कुछ तो बताना चाहते हैं अपने को। आई डोंट नो व्हाट द थिंग इज़ बट लेट्स गो डाउन। आई गो सो विक्ट्री रोड के यहाँ पर बुला रहा था अपने को बट अरे यार रास्ता किधर है? वो क्या, वो यहाँ से ही था रे। ये रहा अपना टॉर्च जिसको आपने जलाया था। गोइंग डाउन गोइंग डाउन। ओके जस्ट गोइंग डाउन। भाई किधर हो यार रिची? रिची ने इतना जल्दी बुलाया क्यों लेकिन अपने को? रिची, अरे ऐश किधर गया है? किधर लेकिन रिची? पिकाचू इज माइन। क्या भाई ये लोग फिर से? नहीं यार ये क्यों आते हैं यार, ये लोग क्यों आते हैं? मेरा दिमाग खराब मत करो, मेरा लास्ट राउंड बचा, मेरे को जाने का है यार। एंड इट्स अबाउट द पोकेमॉन लीग, यू आर आउट ऑफ इट टैम नाउ। हर्ड योर ऑल योर पोकेमॉन्स टू क्यूमेंट फाइट, यू हैव इट योर वेट देन। गाइस ने मेरे कोई पोकेमॉन्स भी नहीं लाया यार, मैं स्क्वार्टल के साथ आया हूँ। ओह माय गॉड भाई, बैंड बजने वाली है अपनी। ब्लिजर्ड करते, ऑप्शन नहीं है भाई, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। जो भी करेंगे अपने खिलाफ ही है भाई वो सब। थोड़े के लिए रहेगा यार, थोड़े के लिए रहेगा बंदा, थोड़े के लिए। ओके ही इज गॉन नाउ। विक्ट्री बेल तो चला गया। नेक्स्ट पोकेमोन आएगा सोका, इसका वो उसका नाम क्या है? वीजिंग। ओ आरबॉक है, ओके ठीक है। पिकाचू को निकालता है सो दैट वो फटाफट से इसकी आरबॉक की बैंड बजा सके। और मैं थंडर कर रहा हूँ यार, भाड़ में जाए, मेरे को फटाफट से इसको बस ख़त्म करने का है क्योंकि अपना मैच है यार। ये लोग सालों लोग ने अपने साथ धोखाधड़ी किया है, इनके कारण अभी हम लोग मैच हार जाएंगे वो भी बिना लड़े। लेट्स गो विथ थंडर। मैं बोला था पिकाचू से पंगा मत लो, पिकाचू से पंगा मत लो रे, डेंजर है। मैं लाइट स्क्रीन नहीं सिखाने का, मेरे को लाइट स्क्रीन कुछ काम का नहीं है, कुछ होता नहीं है उससे। फालतू मुंह मत सीख पिकाचू, फालतू मुंह मत सीख। लिकी टंग मैं वापस से चेंज नहीं कर रहा, मैं वापस से थंडर ही करूँगा और ये 180 जाएगा, मेरे को पता है, मेरे को मेरे पिकाचू पे भरोसा है। कम ऑन द थंडर इज ऑन, ठीक है। और ये भी वन हिट टाटा बाय बाय। ओ शिट थोड़े के लिए रह गया भाई। कोई ना, हम लोग इसके बाद थंडर बोल्ड करेंगे तो ये चला जाएगा। और ये लिक्विड टंग भी डेड हो चुका है और आगे सभी कॉफिंग बचा है शायद, सिर्फ कॉफिंग भी मर जाएगा हम लोग उसको भी। वीजिंग या वीजिंग, विजिंग के लिए आई एम गोइंग विथ थंडर अगेन टू बैक थंडर्स। ओ माई गॉड, पता नहीं मरेगा कि नहीं लेकिन फिर भी चांस ले रहे हैं अपन। मरेगा रे, चांस क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, ऑब्वियसली वन हिट है। पिकाचू इज वन ऑफ आवर स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन। चलो टीम रॉकेट को तो उड़ा दिया लेकिन अपने को फटाफट से जाना पड़ेगा अंदर क्योंकि हम लोग बहुत लेट हो रहे हैं। यू मे हैव नॉट पिकाचू बट यू विल नेवर मेक इट टू द मैच ऑन टाइम, दैट्स वॉट यू गेट फॉर डिफेंसिंग। भाई ये बंदे लोग बिना सालों को, नेवर मेक इट टू माई मैच ऑन टाइम, आई गो बाय फुट बाय द आई प्रॉमिस रुचि। भाई भाग भाई भाग भाई भाग ब्रो, भाग भाई ब्रो, भाग ब्रो, भाग ब्रो, भाग ब्रो, भाग ब्रो, भाग ब्रो, भाग ब्रो, भाग।
एक्चुअली अपने को लेना था पीजोटो को, बट मैं पीजोटो को लाना ही भूल गया, सो उसकी वजह से अपने को ये वाला रास्ता अपनाना पड़ रहा है। यहाँ पर ही मैच चल रहा है, पर यू डिड नॉट मेक इट ऑन टाइम योर मैच विद रिची, एज अ रिजल्ट वी हैव डिक्लेयर्ड द विनर एंड यू हैव फॉरफिटेड बैटल। नहीं यार मैं नहीं 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 यार, ये गड़बड़ हो गई यार अपन से। आई गेस वन ऑफ अस हैड टू लूज ऐश, आई विल ट्राई टू विन माई नेक्स्ट मैच। गाइज आई गेस वी हैव लॉस्ट अवर मैच। गाइज आई थिंक वी हैव लॉस्ट अवर मैच। यार भाई गड़बड़ हो गई यार, रिची तो चला गया अंदर मैच खेलने के लिए। मैं काउंटर पे पूछ के देखूंगा, यू हैव लॉस्ट द इंडिगोली कॉम्पिटिशन, यूर कैंटो रीजन पोकेमोन ट्रेनर रैंकिंग 16, वेन द पोकेमोन लीग बिगेंस अगेन कम बैक इन री चैलेंज। भाई यार ये क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों होता है यार। गाइस भाई टीम रॉकेट ना मैं छोड़ूंगा नहीं सालों को, सालों की वजह से ना मेरा दिमाग खराब हो गया, और ऊपर से आपने उससे भी बड़ा बेटी कर दी कि अपन ने पीजोटो को लिया नहीं साथ में। मेन अपना जो सीज़न था उसमें पीजोटो ऐश के साथ था, तो वो पीजोटो खुद उसको उड़ा के लेके जाता था, और अपन गधे लोग ने पीजोटो को अपने इसमें रख दिया। वैसे अपने को हारना तो था ही रिची के साथ, क्योंकि ऑफिशियली भी हार ही जाते अपन, बट थोड़ा बुरा लग रहा है क्योंकि हम लोग बिना लड़े हार गए। अगर देखो फाइट करके हारते थे तो मेरे को इतना बुरा नहीं लगता, ठीक है। पूरा दिमाग खराब हो गया यार, और क्या, घर पे फ़ोन करके देखता हूँ यार। गाइस लेट्स सी क्या बोलते हैं। ओके अभी फ़िलहाल तो किसी का नहीं है। आई गेस मेरे को घर जाना पड़ेगा, घर जाना पड़ेगा। सो यार गाइस हम लोग जाएंगे अभी घर, लेट्स सी क्या रखा है अपने लिए आगे। बहुत ही बुरा दिन था, ये टीम रॉकेट की वजह से ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया। साले अगली बार आएंगे ना इसको ऐसा मजा सकाऊंगा ना मैं यार। फालतू का बीटी दे गए अपने को, इनकी वजह से अपन पोकेमोन लीग से बाहर हो गए। लेकिन कोई ना गाइज अपना जर्नी ऐसे ही चलता रहेगा, हम लोग वापस आएंगे इंडिगो लीग में और वापस इसको चैलेंज करेंगे, रीचैलेंज करेंगे। लेकिन अपना आगे का सफ़र जो भी रहेगा वो अपने को चालू रखने का है। सो देखते हैं अभी हम लोग जाएंगे घर पे और फिर देखेंगे अपने आगे क्या क्या रखा है, थोड़ा रेस्ट करेंगे आराम करेंगे, उसके बाद अपनी जर्नी ऐसे ही चालू रहेगी। सो यार गाइस जिन जिन लोगों ने लाइक किया है लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, क्या कर रहे हो यार, और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि जो नया एपिसोड है आपको नोटिफिकेशन मिले उसका। और चैट में ना हग्गू टीम रॉकेट लिख दो, हग्गू टीम रॉकेट, ठीक है, सब लोग लिख दो हग्गू टीम रॉकेट। मैं इन लोगों ने दिमाग खराब करके रखा है मेरा। सो गाइस आज के वाले वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता आप लोगों से अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी या, टाटा। ये है